नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना चाइना से उभरते खतरों से निपटने के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद रही है। और दोस्तों, फ्रांस ने भारत को प्रस्ताव भेज दिया है और ये डील बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत फ्रांस के साथ 26 और मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की डील कर सकता है। और बता दें कि फ्रांस की सरकार ने डील का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार ये डील 50,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस डील के तहत भारत को लड़ाकू विमानों के साथ ही इनकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों, 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर जेट खरीदेगी सरकार। बता दें कि भारत सरकार नौसेना के लिए 22 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 4 डबल सीटर ट्रेनर विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अक्टूबर में इस डील के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR जारी किया था। इस पर अब फ्रांस की सरकार ने मरीन राफेल लड़ाकू विमान बेचने के लिए लेटर ऑफ एक्सपेंटेंस मतलब LOA भेजा है। इस लेटर में डील से संबंधित सारी जानकारी है। फ्रांस ने डील का प्रस्ताव 50,000 करोड़ रुपए का दिया है और इसमें लड़ाकू विमानों के साथ ही इनके हथियार, सिमुलेटर, उपकरण, क्रू की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जाएगी। दोस्तों, बता दें कि 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नौसेना के लिए 26 जेट्स खरीदने की डील को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, इसके तहत नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीद करीब 30,000 करोड़ रुपए में की जानी है। रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा ये मंजूरी पेरिस में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुए पेरिस समिट में एक दिन पहले दी गई थी। हालांकि समिट में इस डील का जिक्र नहीं था। दोस्तों, कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही फाइनल होगी ये डील। हालांकि अभी भी फ्रांस ने सिर्फ डील के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसकी कीमत पर बातचीत और कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद ही इस डील को फाइनल किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि नौसेना को अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लड़ाकू विमान चाहिए। साथ ही महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने और चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यह डील बेहद अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, राफेल M लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण है जिसका पूरा नाम राफेल मरीन है। दरअसल लड़ाकू विमान के 3 प्रमुख संस्करण हैं। राफेल C सिंगल सीट जो जमीन से इस्तेमाल किए जाने वाला संस्करण है। दोस्तों, राफेल B जो 2 सीटों वाला जमीन से इस्तेमाल किए जाने वाला संस्करण है। जमीन से इस्तेमाल का मतलब यह इंडियन एयरफोर्स या वायु संस्करण है। दोस्तों, और राफेल M जो सिंगल सीट कैरियर आधारित संस्करण है और राफेल M का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। दोस्तों, राफेल M की लंबाई 15.27 मीटर है और ऊंचाई 5.34 मीटर और वजन 10,600 किलोग्राम है। इसकी ईंधन क्षमता 4,700 किलोग्राम है। हाई एल्टीट्यूड में विमान की अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये 2 मैक की गति से उड़ान भर सकता है। ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी तेज। दोस्तों, और तो कम ऊंचाई पर इसकी रफ्तार 1390 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये दोस्तों कम ऊंचाई पर 1390 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाता है, मतलब लगभग 1.5 मैक की गति से। दोस्तों, 3 ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यह विमान किसी वाहक कैरियर पर उड़ान भर और उतर सकता है, मतलब दोस्तों ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है, मतलब नौसेना के लिए। दोस्तों, इसमें भारतीय वायुसेना को मिले राफेल से 80% से भी अधिक विशेषताएं हैं, मतलब दोस्तों भारतीय वायुसेना को जो राफेल फाइटर जेट मिले हैं उनसे अधिक ताकतवर और मजबूत विमान है, उनसे भी 80% इसमें विशेषताएं अलग हैं और अधिक हैं। दोस्तों, बेड़े की समानता के कारण इसमें प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, मरम्मत और रखरखाव के कारण होने वाली बातचीत ने नौसेना को इन विमानों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, खासकर हमने मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए इस विमान को चुना है क्योंकि पहले से ही भारतीय वायुसेना ने इस विमान को ले रखा है। और दोस्तों, इसी कारण से वायुसेना का मेंटेनेंस जब किया जाएगा तब इन विमानों का मेंटेनेंस भी आसानी से हो सकेगा और पार्ट्स भी उपलब्ध हो सकेंगे, इसलिए दोस्तों नौसेना ने यह विमान चुना है। जबकि दोस्तों, अमेरिका ने भी अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को पेश किया था भारत को, पर भारत ने राफेल M मरीन लड़ाकू विमान को चुना है। दोस्तों, लड़ाकू विमान अत्यधिक समुद्री सिस्टम से लैस होंगे जिनमें युद्ध पोत के अलावा सबमरीन का पता लगाने में सक्षम समुद्री खोज रडार भी शामिल होंगे, मतलब दोस्तों ये एंटी
सबमरीन वारफेयर में भी शामिल हो सकता है और उनका मुकाबला कर सकता है। ये समुद्र में छुपी सबमरीन का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में भी सक्षम है। इसमें दोस्तों वह सभी विशेषताएं हैं जो एक नौसैनिक एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए। दोस्तों राफेल मरीन 4.5 जनरेशन का विमान है और दोस्तों ये लगभग 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इस विमान को भारतीय नौसेना ने इसलिए पसंद किया है कि दोस्तों चाइना से उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए, और चाइना के पास J-10, J-15 जैसे विमान हैं और उनके विमान मुकाबले में ये विमान कई ताकतवर और मजबूत विमान हैं। दोस्तों इसके अलावा चाइना अपने J-20 विमान को भी शामिल करने वाला है नौसेना में और उसके मुकाबले भी राफेल मरीन खतरनाक और डेडली विमान है। दोस्तों भारतीय नौसेना में जो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट शामिल किए जा रहे हैं उनमें से 22 सिंगल सीट विमान होंगे और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान होंगे। दोस्तों राफेल एम की डिज़ाइन राफेल से थोड़ी अलग है, जो भारतीय वायु संस्करण है उससे थोड़ा अलग है। दोस्तों राफेल मरीन की साइज राफेल से छोटी है और इस विमान को एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध पोत के लिए खास तैयार किया गया है। युद्ध पोत पर विमान की लैंडिंग काफ़ी प्रभावशाली होनी चाहिए, इसलिए राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके और इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया है। वहीं इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं। दोस्तों वजन की बात करें तो राफेल की तुलना में राफेल मरीन का वजन थोड़ा अधिक है। जानकारी के मुताबिक इस लड़ाकू विमान का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है और राफेल विमान के विंग्स भी मुड़ सकते हैं, लेकिन इस विमान के विंग्स पूरी तरह मुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों राफेल जो वायु संस्करण है उसके विंग नहीं मुड़ते हैं और विंग्स मुड़ने का कारण इसलिए है दोस्तों कि इनको डेक पर अधिक संख्या में तैनात किया जा सके। दोस्तों इस विमान में सबमरीन को खोजने और मार गिराने में एडवांस राडार लगाए गए हैं। इस विमान में एंटी शिप मिसाइल लगाई गई हैं जो हवा से जमीन पर हमला कर सकती हैं। इस विमान में मीटियोर स्केल फॉर हैमर मिसाइलें जैसी मिसाइलें लगा जाएगी। दोस्तों इस विमान की गति Mach 2 की स्पीड से दुश्मनों पर कर सकता है यह हमला। इसकी गति बहुत ही घातक है और इस विमान की गति की बात करें तो राफेल एम Mach 2 स्पीड से लड़ाकू विमान उड़ सकता है। ये स्टेल्थ से लैस है, इसका अर्थ है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। राफेल विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ सकता है। दोस्तों राफेल एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। गौरतलब है कि यह विमान पाकिस्तान के मौजूदा F-16 और चीन के पास मौजूद J-20 से बेहतर है। इस विमान की कॉम्बैक्ट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेडियस का मतलब दोस्तों अधिकतम दूरी तय कर सकता है 3 जो ईंधन टैंक है उनके साथ। इसका अर्थ है कि यह अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूर पर हमला कर वापस लौट सकता है, मतलब 3,700 किलोमीटर के एरिया तक यह हमला करके आसानी से वापस आ सकता है। इसको तेल भरने की आवश्यकता नहीं होती है और मध्य में हवा के अंदर ये ईंधन भर सकता है, और अगर इसको हवा से हवा में ईंधन भरा जाए तो इसके अलावा भी यह 3,700 किलोमीटर से भी और अधिक दूरी तय कर सकता है। दोस्तों राफेल मरीन विमान में की एयर फ्रेम मजबूत और ताकतवर इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों इसको खारे पानी से बचाने के लिए इस पे स्पेशल कोटिंग की जाती है, स्पेशल पेंट किए जाते हैं और इसको दोस्तों कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है, जिसके कारण इसकी फ्रेम भी ख़राब नहीं होती है और राडार पर भी नज़र नहीं आता है। और इस विमान की कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। 1850 किलोमीटर का मतलब दोस्तों अगर इसमें ईंधन टैंक नहीं भी लगाते हैं फिर भी ये 1850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1850 किलोमीटर की दूरी कोई कम नहीं होती है, वो भी बिना ईंधन टैंक और बिना बीच में ईंधन भरे ये इतनी दूरी तय कर सकता है। और दोस्तों टैंक लगाएं तो 3,700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, मतलब चाइना के फाइटर जेट से कई अधिक दूरी तय करने में यह सक्षम है। दोस्तों राफेल एम में 30mm की ऑटो कैनन लगी है। इसमें कुल 14 हार्ड पॉइंट है और इसमें 3 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें और एक परमाणु मिसाइल या मिश्रण लगा सकते हैं दोस्तों। और इस फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगाया जाएगा या लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो राडार, एवनिक सेंसर, फ्लाई बाय वायर और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो राफेल से कई अधिक है, मतलब राफेल के वायु संस्करण से कई अधिक विशेषताएं हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों
पाकिस्तान से मुकाबले की बात इसलिए नहीं कही है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, तो उससे मुकाबला नहीं है। अब हमारा मुकाबला चाइना से है, उसी को देखते हुए इस राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।